हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और कोरोना वायरस के से आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछला एक वीडियो बनाया था यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये सब पिक्चर में देख रहे हैं कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या क्या लगता है। जैसे मैंने बताया था, हेड कैप, मास्क, गॉगल्स, गाउन, शूज़, ग्लोव्स, ये सब इस पिक्चर में दिखा रहा है दोस्तों। इसलिए मैंने आज आपको पिक्चर वाइज डेकोरेशन डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए फिर से थोड़ा सा उसके आगे आज हम जाएंगे। दोस्तों, आप दो चीज़ें आपने बहुत अच्छे देखे होंगे, इसको PPE भी कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लास्ट लाइन डिफेंस। इसमें सब दूसरे इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं या हमें जो भी लगता है PPE के लिए। और इसको बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन भी कहा जाता है दोस्तों। बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन मतलब क्या, बॉडी और सब्सटेंस के बीच में आइसोलेशन, ऐसे दो टर्म इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो पेशेंट है सब्सटेंस हमारे लिए और हमारी बॉडी, हमें पेशेंट से हमें और हमें बॉडी को आइसोलेट करना है दोस्तों। दूसरी एक बात अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है नावेडेज, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, एक है आइसोलेशन और एक है क्वारंटाइन। तो दोस्तों, क्वारंटाइन ये शब्द क्या है? क्वारंटाइन मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आया हो, जैसे चाइना से या अब्रॉड से, जहाँ पे कोरोना वायरस का या कोई और वायरस का बहुत ज़्यादा संक्रमित हो। अभी फिलहाल के टाइम पे कोरोना वायरस की बात करेंगे, कोरोना वायरस से संक्रमित उपदेश चल रहा हो और ये व्यक्ति वहाँ से आया हो, तो उसे हम सस्पेक्ट कहते हैं। या फिर किसी पेशेंट के संपर्क में वो आया है, आजकल बहुत से डॉक्टर्स या नर्स, वार्ड बॉय या फिर हॉस्पिटल्स के पैरामेडिकल स्टाफ भी पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें जो है एक अलग 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए हम उन्हें अलग थलग करते हैं, उसी को कहता है क्वारंटाइन दोस्तों। क्वारंटाइन मतलब क्या, वो पेशेंट है, वो एक सस्पेक्ट है, उसमें साइन सिम्टम्स नहीं है, वो पेशेंट नहीं है, बट आगे जाके वो पेशेंट बन सकता है, इसलिए हम उसे आइसोलेट करते हैं, सॉरी क्वारंटाइन करते हैं कि वो दूसरों से अलग रहे। और दूसरी बात दोस्तों, अभी आएगा एक टर्म, दूसरा एक टर्म है आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ अ टर्म दैट इज़ अप्लाइड टू द एक्चुअल पेशेंट। अभी समझो कोई पेशेंट है जिसको साइन सिम्टम्स है, राइनाइटिस है, कफ है और ब्रेथलेसनेस है, और उसका जो है कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उसको हम पेशेंट कहेंगे। और ऐसे पेशेंट को हमें आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन रूम में रखा जाता है, मतलब उसका जो संपर्क है वो किसी से भी नहीं आता है। ऐसे रूम को या ऐसे वार्ड को हम आइसोलेशन रूम कहते हैं या आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। तो ऐसे दो टर्म, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, अभी बहुत चल रहे हैं दोस्तों। सोचा कि आप यूनिवर्सल प्रोटेक्ट प्रिकॉशंस के ऊपर बात किया है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। आगे चल के हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।